I like to fight a little dirty, baby. If I opened up and caved in, would you hurt me, baby? Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ एंड द सीरीज़ वॉज टोटली इंस्पायर्ड बाय निधि कटियार. शी डिड लॉट्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लुक्स ऑन हर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. सो हियर आई एम डूइंग इट. द ओनली डिफरेंस इज आई विल बी गोइंग बाय द थीम विब क्योर. सो टुडेज़ कलर इज वायलेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्यूटोरियल. सो एज यूजुअल मैं एक क्लीन फेस से स्टार्ट करूँगी और सबसे पहले मैं करेक्ट करूँगी अपने डार्क स्पॉट्स अपने फेस के, जैसे कि अंडर आई एरिया, साइड्स ऑफ माउथ. और मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ पैक स्पॉटलाइट कंसीलर इन दी शेड फ्रोजन कैरामल नंबर 12. और इसको एक कंसीलर ब्रश की मदद से आई विल ब्लेंड इट रियली नाइसली. आई ऑल्सो कलर करेक्टेड माई आईलिड एरिया क्योंकि वो भी मेरा थोड़ा डार्क है. Now, firstly, I'll be doing eyes as usual. So, उसके लिए मैं ले रही हूँ Maybelline Instant Age Rewind Concealer. And I am using the shade medium. And इससे अच्छे से मैं अपने eyelids पे लगा लूँगी just to give that base. And उसे मैं set करूँगी sugar के translucent powder के साथ. And now, let's come to the colors. So, I'm using a Morphe Jaclyn Hill palette. और सबसे पहले मैं use कर रही हूँ brown shades थोड़ी सी crease deepen करने के लिए. और फिर मैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल वॉयलेट कलर जो है शिमरी है, इसे अपने रिंग फिंगर की मदद से अपने आईज़ पे लगा रही हूँ. अगर आप कोई भी शिमरी शेड यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर यू यूज़ योर फिंगर्स रैदर इन ब्रश बिकॉज उसकी पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी. देन अगेन ब्राउन शेड लेके मैं अपना आउटर कॉर्नर थोड़े से डार्क कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ अपना वायलेट आई शैडो. एंड नाउ टेकिंग द शैम्पेन कलर, आई एम जस्ट पॉपिंग दैट कलर इन टू माई टियर डक्ट एरिया एंड अंडर माई ब्राउ बोन. और अगेन थोड़ा सा ब्लेंड करते टाइम थोड़ा सा आपका मेन आई शेडो भी ब्लेंड हो जाता है. सो अगेन उसको थोड़ा सा सेट कीजिए विद ब्रश. एंड नाउ लेट्स कम टू द फेस. एंड फॉर फेस आई एम यूजिंग लॉरियल ट्रू मैट फाउंडेशन इन द शेड गोल्डन सैंड. एंड इसको मैं डायरेक्टली अपने फेस पे लगा रही हूँ एंड विद द फाउंडेशन ब्रश आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट रियली नाइसली. द फाउंडेशन ब्रश आई एम यूजिंग इज पैक 003. एंड या सो अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं. बेसिकली ये जो लुक है इट्स नॉट अबाउट फेस दैट मच. मैं मेन फोकस मेरा आईज़ है एंड लिप्स है बिकॉज इट्स मोनोक्रोमैटिक. सो टू ब्राइटन माई फेस आई एम अगेन यूजिंग Maybelline इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर अंडर माई आईज, अ ब्रिज ऑफ नोज, क्यूपिड्स बो चिन एंड अ लिटिल बिट ऑफ दिस ऑन माई फोरहेड. और फिर अगेन मैं कंसीलर ब्रश की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. आई लव हाईलाइटिंग माई फेस, एकदम से मेरे फेस को एक न्यू लाइफ मिल जाती है वेन एवर आई डू दिस. आई लव बेकिंग एज वेल, लाइक बेकिंग माई फेस. एंड अब मैं अपने इसके बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आई विल बी डूइंग माय आईब्रोज. बट बिफोर माय आईब्रोज आई ऑलवेज डू बेकिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं आईब्रोज हो चुकी हैं और बेकिंग भी हो चुकी है. एंड आईब्रोज के लिए मैंने यूज़ की थी अगेन डार्क ब्राउन आई शेडो ही यूज़ किया था. एंड नाउ आई एम जस्ट डस्टिंग ऑफ एनी एक्सेस पाउडर जो कि मेरे फेस पे है. मैं अपने लोअर लैश लाइन बाद में करना पसंद करती हूँ जब मेरा फेस हो जाता है. सो नाउ आई एम गोना डू दैट. एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग दिस रियली नाइस ब्लू इंडिगो कलर. आई एम एक्चुअली टेकिंग द नेक्स्ट कलर जो कि सीरीज में आने वाला है. सो दिस इज़ द थीम बेसिकली अंडर माई सो लोअर लैश लाइन में अच्छे से स्मज कर रही हूँ एंड उसे मर्ज कर रही हूँ अपने बाकी आई शेडो से. और यहाँ पे मैंने लैशेज भी लगा लिए हैं. लैशेज जो मैंने यूज़ किए हैं दैट इज़ पैक 56 एंड आई एम यूजिंग ब्लश मैक प्रिज्म. दैट्स माई फेवरेट ब्लश, एवरी डे ब्लश. एंड इसी की मदद से अपने नोज भी कंट्रोल कर लिया थोड़ा सा. नाउ टेकिंग कलर पॉप हाईलाइटर इन द शेड विस्प और हल्का सा लगाऊंगी राइट ऑन टॉप ऑफ माई चीक बोन एंड ब्रिज ऑफ नोज, क्यूपिड्स बो. एंड नाउ आई एम गोना मर्ज माई फेक एंड ओरिजिनल लैशेज टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ मस्कारा एंड आई एम यूजिंग मेगा ग्लो, नॉट मेगा ग्लो, मेगा लेंथ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. एंड नाउ लेट्स कम टू द लिप्स. सो आई एम गोना यूज टू कलर्स, वन न्यूड जो कि वेरेबल है एंड दूसरा मोनोक्रोमैटिक रहेगा जो कि आइज के साथ जाएगा. सो पहले मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर स्मज मी नॉट लिपस्टिक इन विविड ऑर्किड. As you can see, it is looking very very violet. But जैसे ये सूखती है ये थोड़े pinkish tone में चली गई. I really don't know why, but yeah, this is the whole look. So I really loved this look as well, like with the monochromatic lips.
एंड न्यूड लिप्स के साथ तो ऑब्वियसली जैसी मर्जी आई लोग को अच्छी लगती है बिकॉज न्यूड लिप्स आर माई फेवरेट. सो नाउ आई एम जस्ट गोना टेक आउट दिस लिपस्टिक एंड वेयर अ न्यूड लिपस्टिक. और न्यूड लिप्स के लिए भी मैंने दो तरह की लिपस्टिक यूज़ की है. वन आई एम यूजिंग निक्स लॉन्जरी लिपस्टिक इन द शेड फ्रेंच मेड एंड मैं सिर्फ सेंटर में लगा रही हूँ स्लीक मैट मी लिपस्टिक इन द शेड पेटल. सिर्फ सेंटर में लगा के मर्ज कर रही हूँ एंड दिस इज़ द होल लुक. सो आई थिंक इस लुक में बोथ द लिप्स आर वेरेबल. बहुत ऑकवर्ड नहीं था यू नो वायलेट लिप्स बिकॉज वो पिंकिश काइंड हो गए थे. अपनी तरफ से मैंने वायलेट ही लगाया था. सो या दैट्स इट फॉर द वायलेट लुक. नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर द इंडिगो लुक दैट विल बी कमिंग सून एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू डू दिस मोनोक्रोमैटिक लुक्स ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.